लोगों से मैं चर्चा कर रहा था, अचानक चार पांच ऑफिसर आए और मुझे खड़े खड़े कहा कि आप ही डोटासरा जी है? मैंने कहा जी हाँ। बोले हम यहीं से हैं, आपके घर की हमको सर्च करनी है, आप लोगों से पूछताछ करनी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जो 5-10 लोग यहाँ पर थे उनको सबको रोक लिया, हमारे सबके मोबाइल ले लिए। उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ में एक एक चीज की सर्च की और उसके बाद में मेरे छोटे बेटे अविनाश जो अकाउंट ऑफिसर है उससे उन्होंने बयानात लिए। कहीं भी कुछ भी न एक रुपया मिला, न कोई किसी तरीके का कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने सीज किया। केवल और केवल 3 मोबाइल, मेरा, मेरे दोनों बेटों का, 3 मोबाइल और जो ईमेल है दोनों की बेटों की, वो लेकर के गए हैं। और मेरी ईमेल उनसे खुल नहीं पाई, उसको डिलीट नहीं करने का मेरे से एफिडेविट लेकर के गए हैं। इसके अलावा कुछ भी मेरे यहाँ से नहीं मिला। केवल और केवल मेरे बेटे से उन्होंने जो सवाल किए, वो सवाल तो उन्होंने अपने अलग से किए, बट जो मुझे जानकारी मिली है केवल कलाम कोचिंग से हमारा परिवार का क्या संबंध है, इसके ऊपर उनकी पूरी की पूरी कार्यवाही बयान पूरा का पूरा केंद्रित था। पेपर लीक का एक भी सवाल किसी भी सदस्य से हमसे नहीं पूछा गया। कानूनी रूप से जो उनके पास में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा या किन्हीं के भी द्वारा जो सूचनाएं भेजी गई हैं, मैं समझता हूं कि उनके ऊपर एक इस तरीके का वातावरण बना करके और ये जो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से माहौल बनाना चाहती है, बिगाड़ना चाहती है, मैं समझता हूं कि ये प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम तैयार हैं, जो भी ईडी को कोई भी पूछताछ करनी हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, हम उनको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। जो भी दस्तावेज चाहिए उनको, वो हम दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी एक आलपिन की नोक जितना भी हमारा किसी पेपर लीक में किसी भी परिवार के सदस्य का अगर कोई इन्वॉल्वमेंट पाया जाए, तो हम लोग पूरी तरीके से स्पष्ट करना चाहते हैं कि न तो हमारा पेपर लीक से कोई संबंध है, न हमारा कलाम कोचिंग से कोई संबंध है। केवल और केवल ये वातावरण दूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और जनता के बीच में जाएंगे, जनता को इनकी सच्चाई बताएंगे और जो जनता फैसला करेगी वो फैसला हमें स्वीकार होगा। कल हम लोग मुख्यमंत्री जी, मैं, रंधावा जी सब लोग चर्चा करेंगे और कमेटी में कैसे इलेक्शन को आगे लेके जाना है। ये हमारा टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, हमको प्रेशराइज करना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं। न हम डरने वाले हैं, न प्रेशर में आने वाले हैं। हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, हमने कोई गड़बड़ नहीं की। न पेपर लीक से हमारा कोई संबंध है, न कलाम कोचिंग से हमारा संबंध है। उसके बावजूद भी जो जानकारी या जो जांचें जो ईडी को करनी है उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी कार्रवाई कोई भी राज्य सरकार की एजेंसी या केंद्र के सरकार की एजेंसी करेगी, उसका हम पूरा समर्थन करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। जो उनको जानकारी चाहिए वो जानकारी हम उनको देंगे, वो अपनी कानूनी कार्रवाई करें, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा चुनाव भी लड़ेंगे, राजस्थान में कांग्रेस की फिर से सरकार बनाएंगे। कल बड़ा प्रदर्शन जयपुर, कल जयपुर में बड़ा प्रदर्शन। मैं उनको ये देना चाहता हूँ, 2009 के मायने डिटा गोड़ हुआ, वो खुले गोनी। मैं 1.5-2-3 महीने से सुन रहा था कि मैरिया जी लोगों को ये कह रहे हैं कि चुनाव को रंगीन बना दूंगा। अगर यही रंगीन था तो मैरिया जी ने बहुत बड़ी गलती कर ली। अगर यही इसी कार्रवाई से की अपेक्षा से
अगर सुभाष बहरिया जी मेरे सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं कि लक्ष्मणगढ़ की जनता है भाई साहब, बाप और बेटे और माजा है, भाई का सब प्यार मुझे दिया और मैंने दिया है, समझे ना, लक्ष्मणगढ़ की जनता सुभाष बहरिया जी को बता देगी कि क्या चुनाव होता है, और राजस्थान की जनता राजस्थान में बता देगी कि हम लोग कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए जान दे सकते हैं, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, 36 हुकूमों को साथ लेकर के चलते हैं, इसलिए कांग्रेस राजस्थान में फिर से आएगी। अशोक गहलोत जी के बेटे वैभव गहलोत जी के जिस तरीके से समन दिया गया है, और चुनाव के नजदीक में बहुत पुराने दिनों से हम 10-15 साल से सुन रहे थे, पर उन्हीं मामले को लेकर के आज चुनाव के नजदीक समन देना, ये प्रदर्शित करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको डराना चाहती है, हमारे नेताओं को डरा करके और यहाँ इलेक्शन जीतना चाहती है। मैं कहना चाहता हूँ ये राजस्थान की सूरवीरों की धरती है, ये हमारे शहीदों की सैनिकों की धरती है, ये किसानों की धरती है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं न डरने वाला हूँ न घबराने वाला हूँ, मेरे साथ में मेरे लाखों लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्यार आशीर्वाद और स्नेह है। मैं मुख्यमंत्री जी के बेटे को जिस प्रकार से ईडी ने समन दिया है उनकी घोर शब्दों में निंदा करता हूं, और केंद्र की सरकार ने जो रवैया अख्तार वहां पर कर्नाटक में किया, वहां पे मुंह की खानी पड़ी, उन्होंने जो दूसरे स्टेट्स में किया ईडी का प्रयोग करके जिस प्रकार से डरा धमका के माहौल खराब करने की जीतने की चेष्टा की थी, वो वहां भी नाकामयाब हुए, और यहाँ भी राजस्थान में भी वो अपने इस गलत मिशन में नाकामयाब होंगे। हम कामयाब होंगे, कांग्रेस जीतेगी और फिर से सरकार की जांच के लिए भी कुछ कहा है क्या? वो नहीं करेंगे, आपकी बात वो नहीं करेंगे। मेरी बात मुझे पता है, जब मुख्यमंत्री बार बार कह रहा है केस दर्ज है, एसओजी मुलजिम मान चुकी है, उसके बावजूद भी अगर उनके खिलाफ करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले की बातें जब आ रही हैं, उसके बावजूद भी अगर ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है, और राठौड़ साहब की प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, सुभाष बहरिया जी की पूरी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, और गोविंद डोटासरा की पूरी प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, राठौड़ साहब कह रहे हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अगर हिम्मत है इन दोनों नेताओं में तो मेरी और अपनी खुद की जांच करा लें, दूध का दूध पानी कैसे होता है, या दूध फटता है, या दूध क्या होता है वो पता नहीं। एक बात थी कि जैसे आपके समर्थकों में काफी उत्साह था, और इनका ये भी कहना था कि हमको धन्यवाद दे रहे ईडी को कि आज जो माहौल है वो जीत के बजाय लीड हो गया, आप भी मानते इस बात को? देखिए कार्यकर्ता मेरी जान है, और कार्यकर्ता के कारण से गोविंद डोटासरा की हैसियत है, इसलिए कार्यकर्ता का मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं। 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जिस प्रकार का जो प्रदर्शन, जो मेरे समर्थन में जो नारेबाजी और जिस प्रकार का जज्बा दिखाया, मैं मेरी जिंदगी नहीं मेरा पूरा परिवार कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। और मैं बहरिया साहब को कह देना चाहता हूँ, आप फार्म भरना, और फार्म भरने के बाद में गोविंद डोटासरा पूरे राजस्थान में रहेगा, लक्ष्मणगढ़ में गोविंद डोटासरा चुनाव नहीं लड़ेगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता और लक्ष्मणगढ़ के लोग चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।